नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी जा। इन दिनों बॉलीवुड में बॉयकॉट की मुहिम छिड़ी, जिसमें टीवी शोज, फिल्म और वेब सीरीज सभी को बैन करने की मांग उठी। हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी बॉम्ब पर भी बॉयकॉट की तलवार लटकी थी, जिसमें लव जिहाद को प्रमोट करने के आरोप लगे थे। तो वहीं मिर्जापुर 2 को भी लोगों ने बॉयकॉट करने की मांग उठाई थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी फिल्मों और सीरीज को बॉयकॉट करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि मूवी और सीरीज में ऐसे प्रमोशन से देश में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं कई सरफिरे आशिक लड़की का प्रपोजल ना करने पर उसे बेरहमी से मार देते हैं। हरियाणा के वल्लभगढ़ में हाल ही में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, जिसमें तौसिफ नाम के एक मुस्लिम युवक ने निकिता तोमर नाम की हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद जनता से लेकर करनी सेना तक आक्रोश देखा गया था। इस केस से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरोपी तौसीफ ने हिरासत में लिए जाने के बाद कुबूला है कि उसने वेब सीरीज मिर्जापुर देखने के बाद ही निकिता को मारने का प्लान बनाया था। तौसीफ ने बेहद स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना एक लड़की को प्रपोज करता है और जब लड़की उसे मना कर देती है तो वो उसे गोली से मार देता है, इसी बात से प्रभावित होकर उसने निकिता तोमर की हत्या करने की योजना बनाई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही पूछताछ में उसने खुलासा किया कि जब निकिता ने उसके प्रपोजल ठुकरा दिया तब उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद उसने हाल ही में आई वेब सीरीज मिर्जापुर की दूसरी किस्त देखी और उससे प्रभावित होकर उसने निकिता की हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा पूछताछ में और भी कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है कि आरोपी तौसीफ के मामा ने ही इस घटना को अंजाम देने के लिए हथियार उपलब्ध कराया था। उसका मामा इस्लामुद्दीन अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से पहले ही जेल में बंद है। उसने जेल के भीतर रहते हुए तौसीफ को हथियार उपलब्ध कराया था। वैसे अगर देखा जाए तो सवाल बॉलीवुड के निर्देशकों पर भी उठता है जो ऐसी सीरीज बनाते हैं। फिल्मी पर्दे पर ऐसे किरदार दिखाना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी इस फिल्मी दुनिया को असलियत समझकर उसी नक्शे कदम पर चलने लगती है। अगर ऐसी सीरीज बनाई गई तो शायद तौसीफ जैसे और भी लड़के किसी बेगुनाह लड़की को मौत के घाट जरूर उतारेंगे। सरकार को इन वेब सीरीज के खिलाफ जल्द से जल्द कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इन वेब सीरीज से लोगों पर गलत असर पड़ रहा है? तो हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद।